अंतरिक्ष में किस वजह से फंसी है सुनीता विलियम्स, लौटने के सवाल पर जानिए नासा ने क्या कहा। जी आप सबको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इन दिनों आईएसएस में अपने साथी बुच बिलमोर के साथ फंसी हुई हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर 6 जून से ही अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। इन अंतरिक्ष दोनों के पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद अब भी बरकरार है। इनको लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा का कहना है कि अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। अनिश्चितता की वजह से दोनों को अंतरिक्ष में कुछ दिन और गुजारना पड़ सकता है। नासा के अनुसार शनिवार को सुनीता विलियम्स को बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्षयान या स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के साथ वापस लाने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इस मामले को लेकर नासा ने बयान जारी कर कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्टार लाइनर को पृथ्वी पर लाने के बारे में 24 अगस्त को एजेंसी स्थिर समीक्षा के बाद निर्णय ले सकती है। सुनीता विलियम्स और बिलमोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर समय बिताने के लिए धरती से उड़ान भरा था, लेकिन उनको धरती से गए करीब 2 महीने का समय बीत गया है। सुनीता और बिलमोर स्टार लाइनर पर सवार होने वाले पहले इंसान बने। अंतरिक्षयान से दोनों स्टार लाइनर पर पहुंचे, जहां प्रयोगशाला के पास पहुंचने के बाद अंतरिक्षयान में कई तकनीकी समस्या सामने आई। इस दौरान कई थ्रस्टर्स भी फेल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रणोदय प्रक्रिया में हीलियम गैस का रिसाव भी होने लगा है। हालांकि इंजीनियर 5 में से 4 थ्रस्टर को ठीक करने में सफल रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टार लाइनर पर कुल 28 थ्रस्टर हैं। इसके बाद भी यह धरती पर सही तरीके से डी ऑर्बिट को लेकर आने को तैयार नहीं है। बोइंग ने स्टार लाइनर की सुरक्षा को लेकर नासा अधिकारियों से बात की थी, लेकिन नासा ने इसको लेकर असहमति जताई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से शनिवार को अगर यात्री के लिए अनुपयुक्ति मानती है तो इसे ऑर्बिटिंग लैब से बिना चालक दल के ही हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो विलियम्स और बिलमोर फरवरी 2025 में स्पेन एक्स ड्रैगन कैप्सूल से वापस आ पाएंगे। जब से अंतरिक्ष यात्री आईएसएस में फंसे हैं, नासा उनकी सुरक्षित वापसी के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। पिछले हफ्ते नासा द्वारा यह बताया गया था कि स्टार लाइनर का इस्तेमाल योजनाओं के अनुसार करने का उन्हें स्पेन एक्स ड्रैगन स्पेन क्राफ्ट पर वापस लाने पर विचार किया जा सकता है। उस समय नासा के अधिकारियों ने कहा था कि अंतिम निर्णय संभवतः महीने के अंत में लिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हिंदी खबर।